जय हिंद, नमस्ते। मैं संगीता, पुलिस सब इंस्पेक्टर पुणे इंडिया से आपसे बात कर रही हूँ। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी आपके गुरु का आज आशीष लीजिए। आज गुरु का आशीष लिया तो वो कभी खाली नहीं जाता। हम साल भर इस दिन की राह देखते हैं गुरु जी का थैंक यू मानने का। वैसे तो हर पल हमने गुरु जी को थैंक यू करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, किंतु आज कुछ खास स्पेशल दिन है ना। तो देखो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आज मेरे गुरु जी को गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों देखो, दुनिया में एक ही चीज़ है जो आपके पास कितनी भी हो तो कभी कोई चुरा नहीं सकता, और अब दुनिया से वो चीज़ कितनी भी चुरा लो तो चोरी नहीं हो सकती, और आप वो लोगों को कितना भी बांटो तो कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ता ही जाएगा। तो वो क्या है? वो है ज्ञान, वो है ज्ञान। हम अपने ज्ञान के राह पर चलते चलते हमको जो चाहिए हेल्थ वेल्थ हासिल कर लेते हैं, है ना। अगर किसी के पास ज्ञान नहीं तो उसको पागल कहते हैं। तो हम सब तक ज्ञानी हैं, मगर आपका ज्ञान और भी बढ़ जाए, मेरा भी ज्ञान और भी बढ़ जाए, इसलिए हमको गुरु की बहुत ही जीवन में आवश्यकता होती है। आपको एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी पता है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को कहा था कि गुरु मुझे धनुर्विद्या सिखा लो, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे धनुर्विद्या सिखा लूँ, मगर द्रोणाचार्य जी ने उनसे ना कहा। फिर भी एकलव्य हिम्मत हारे नहीं, वो जंगल में गए और उनका स्टैचू पुतला बना दिया और उनकी हर रोज पूजा करते थे, मनोभाव से, ध्यान से, मन से। फिर गुरु जी को उनका आशीष एकलव्य को देना ही पड़ा। उन्होंने इतनी धनुर्विद्या में पारंगत हो गए कि यहाँ तक कि वो कांकन भर अर्जुन से भी ज़्यादा निकले। उनका पूरे दुनिया में आज तक ज्ञान है, आज तक नाम है ना। तो मेरा मतलब यही है कि गुरु जी का ज्ञान, गुरु जी का आशीष कभी खाली नहीं जाता, वो हमेशा हमको लेना चाहिए, है ना। और हमारे पास जो ज्ञान है वो हमेशा दूसरों को देना चाहिए। सिर्फ दुनिया में और जीवन में शिष्य बन के मत रहो, बल्कि आप भी गुरु बन जाओ, लोगों को ज्ञान बांटते चलो। वहाँ से आपको सारी दुनिया का